नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जेंडर। अब वन वन लाइन के सेक्शन से तो हम काफ़ी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पिनल कोड की लेक्चर सीरीज, एक्ट नंबर 45 है और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1862। मैं बार बार हर वीडियो में इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम में यही चीज़ बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 8 जो है जेंडर को डिफाइन करता है। द प्रोनाउंस ही, ठीक है, जो प्रोनाउन कर रहे हैं ही एंड इट डेरिवेट्स आर यूज्ड फॉर ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। अगर किसी सेक्शन में है ना ऑफेंसिव सेक्शन है या कहीं पे भी ही लिख दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस मेल के लिए है। इंग्लिश टर्म्स को पकड़ के नहीं चलना है, यहाँ हमको लीगल टर्म्स को पकड़ के चलना है। ठीक है, ही का मतलब क्या बताया गया है, हर पर्सन, आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन, या आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ही मीन्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए यूज़ किया जा सकता है, वेदर मेल और फीमेल, मतलब दोनों के लिए। तो ये आपको एक ऑप्शन में दिया जा सकता है, बट ये नंबर से इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसका जो है टाइटल इम्पॉर्टेंट है। 8 जेंडर, 9 नंबर अनलेस द कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट वर्ड इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर एंड इंक्लूड द प्लूरल नंबर, एंड वर्ड इम्पोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड्स द सिंगुलर नंबर। ठीक है, नंबर में हमने जो है इंग्लिश में भी पढ़ा है कि सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि जो भी वर्ड हैं अगर सिंगुलर नंबर को यूज़ किया गया है तो उसमें प्लूरल नंबर भी इंक्लूड है, और अगर किसी वर्ड में प्लूरल नंबर इंक्लूड किया है तो उसमें सिंगुलर नंबर भी है। ये एक तरीके से कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको दिया है, बाकी आप इसको समझ के चलें। जैसे हम पढ़ते थे ना मैथ्स में कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, और ऐसे स्क्वायर्स में क्या है चारों साइड बराबर होती हैं, तो इसी टाइप से इसको नंबर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। 9 नंबर से इम्पॉर्टेंट है, और बाकी आप चाहें तो ये एक रीडिंग में आ सकते हैं। सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन, द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बींग। ठीक है, मैन दिया हुआ है तो वो डिनोट, अब यहाँ पे मैन और वुमेन बताया है, अगर मैन दिया हुआ है तो वो डिनोट कैसे किया जाएगा, मेल ह्यूमन बींग से ऑफ एनी एज। अब ये एनी एज में यहाँ कन्फ्यूज करते हैं हमेशा, जो भी जुडिशियर के एग्जाम्स होते हैं तो वो एनी एज में आपको कन्फ्यूज करते हैं। द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। ठीक है, तो आपको सिर्फ एनी एज का ध्यान रखना है। 10 में आपको मैन एंड वुमेन दिया हुआ है। 11 पर्सन, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी एसोसिएशन और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो ये आपका वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा याद ही कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सेक्शन 11 पर्सन है, द वर्ड पर्सन, पर्सन में क्या क्या इंक्लूड है हमारा, कंपनी एसोसिएशन बॉडी ऑफ पर्सन, वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या कॉर्पोरेटेड हो, और नॉट दिया है तो और नॉट का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड दिया हुआ है तो कॉर्पोरेटेड होगा यहाँ पे, मतलब इसका अपोजिट। ठीक है, 12 में दिया हुआ है पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ठीक है, पब्लिक तो जैसे हम जर्नल मीन्स में देखते हैं कि पब्लिक मतलब एक बहुत सारे लोग है ना, और जनता का, जैसे जनता जनार्दन है ना, जनता व्यू बोलते हैं, तो पब्लिक इसमें वही मतलब बताया गया है। पब्लिक मतलब एक क्लास की पब्लिक या एक कम्युनिटी। ठीक है, मतलब इंडिया की पब्लिक तो वो भी पब्लिक में आएगी, और एक एक कम्युनिटी है जैसे मुस्लिम इंडियन पब्लिक, तो ये भी एक हमारा पब्लिक में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद के कुछ जो सेक्शंस हैं वो रिपील्ड हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल से पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 15 डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एंड सेक्शन 16 डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक और सेक्शन
नहीं, बस 16 तक रिपील है, जन जनरल फेज से आपके जो हैं वन बाय वन सेक्शंस शुरू हो गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।